कक्षा सेवन विषय सामाजिक विज्ञान सेकेंड भाग के अध्याय के राज्य शासन कैसे काम करता है। कल हमने विधानसभा में एक बैस विधायक एक विधायकों और तीन विधायकों के बारे में हमने पढ़ा। जैसे बहुमत के दल का नेता उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, विरोधी दल जिसकी जो सरकार बनी हुई उसका मुख्यमंत्री बनकर जो बाकी जो अन्य विधायक जितने हुई पार्टियों के हैं वो विरोधी पक्ष के सदस्य होते हैं। सरकार काम में विधेयक पास कराने में भी वो सहयोग देते हैं। जिससे विधायक जिसके अंतर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है, औरतों को पानी लाने के लिए बहुत दूर दराज तक जाना पड़ता है, जिसमें कुएं तालाबों की सफाई सरकार ने संक्रमण मुक्त किया जा सके, अच्छा पानी स्वस्थ पानी पिलाने में सरकार का पहला दायित्व है। विधायक चार में मुझे लगता है मेरी साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों के द्वारा पानी पहुंचाया गया और ORS पुल के पैकेट जगह जगह पर बांटे गए हॉस्पिटलों के माध्यम से, ताकि हैजा जैसी बीमारी लोगों को नहीं हो। विधायक पाँच, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत ही खराब है, जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, चिकित्सा अधिकारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए, तो सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। कोई डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं और शर्मनाक स्थिति है कि मेरे ख्याल से हालात बद के बदतर होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों का ORS घोल के पैकेट पहुँचाया जाए। जैसे आपने देखा होगा विधायक छः विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का भी अभियान शुरू किया। जैसे हम क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं। जैसे एक विधानसभा अध्यक्ष होता है जो विधानसभा की कार्रवाई को संचालित करती है, विधायकों को एक रंग और विरोधी पक्ष के विधायकों को भूरे रंग से आप उनको देख सकते हैं। बाद में आपने विधानसभा में चल रही आपने बेस डिग्री देखी होगी, सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्यों को भी आपने देखा होगा। ऐसा इसलिए होता है कि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होती है। सामान्य भाषा में सरकार सबसे तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। इन सबका सामूहिक प्रमुख जो मुख्यमंत्री होता है सही मायने में, तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाती है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं कि जैसा कि आपने पाठ के आरंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री बनाया जाता है। शासन की कार्यप्रणाली केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में देखा या टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते। सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है और अखबारों टीवी चैनलों अन्य सब
सरकार से बारे में हम बातें करते देखा होगा। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जो विधायक सोचते हैं कि सरकार स्थिति की गंभीरता से नहीं ले रही है, ये मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे हैं। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते? आपने आपके विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी नहीं, कैसे चर्चा करते हैं? उसी प्रकार से विधानसभा में चर्चा होने की थोड़े ही समय पर स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता हो गई, जिसमें समाचार पत्रों के प्रतिनिधि के द्वारा समस्या को उठाया गया। कुछ शासकीय अधिकारियों ने उपस्थिति थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता अखबारों संवाददाताओं ने प्रश्न पूछे और चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की। अगले पक्ष पर ऐसी एक रिपोर्ट दी गई जिसके अंतर्गत अगले सप्ताह मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम के गांव के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिसके रिश्तेदारों को रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई और वहाँ अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल में भी गए और सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि भी स्वीकृति की। विचार से समस्या केवल सरकार की नहीं है, पीने के स्वस्थ पानी की भी कमी थी और जिन्होंने सरकार के काम पर कुछ लोगों ने प्रशंसा भी की। जैसे सरकार का ये प्रथम दायित्व है कि शिक्षा देना, हर नागरिक हर व्यक्ति को स्वस्थ पानी। एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की गई जो सफाई सुविधाओं के बारे में, जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी, लोक सेवकों मुख्यमंत्री दिशा निर्देशों देगी और क्षेत्र के पानी के उचित स्वास्थ्य की देखभाल ध्यान दे सके। जो लोग सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, PWD, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है उचित समय पर उठाए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना, सरकार सफाई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए एक कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई फेजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय हैं। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है कि आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का सहायक सिद्ध होता है। मंत्री ने धनराशि का भी कुछ वादा किया। जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य में कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं तो उन्हें सरकार किसी को 1,00,000 रुपये, किसी को 2,00,000 रुपये सरकार ने मुआवजा स्वीकृत किया। सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। अब हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि
कि उनकी मनसा पानी के टैंकरों द्वारा गांव में पीने का पानी पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है।